I also welcome Secretary of Higher Education, Mr. R. Subramanji, Chairman AICT, Professor Anil Sashap, and the CEO of Persistent Labs, Mr. Anand Despande. In this, the briefing will be on the unique initiative of the HRD Ministry, Smart India Hackathon. And this is part of this Digital India program to engage our youth directly in the nation building activities. It's a very exciting kind of program, the details of which will be given by the Honorable Minister. And he will also brief about the important decision that was taken by the Union Cabinet yesterday. This is about the RUSA. This is, he'll brief about that. And also, and after that will be, the floor will be open for questions. Small request, standard operating procedure, please keep your mobile phones on silent mode. And now I request Honorable Minister to give the opening remarks. Thank you. पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में देश समृद्ध होता है जब देश शोध करता है खोज करता है और ये खोज की इनोवेशन की प्रक्रिया बढ़े ये इस देश की आवश्यकता है इसलिए एक पिछले साल से नया कार्यक्रम हमने शुरू किया है और उस कार्यक्रम का नाम है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इज एन ओपन इनोवेशन प्लेटफॉर्म जहां शोध के लिए बहुत सारे प्रश्न दिए जाते हैं कि इन प्रश्नों का आज जवाब नहीं है या तो डिजिटल सॉल्यूशन नहीं है या हार्डवेयर सॉल्यूशन नहीं है या कुछ नहीं है तो उसकी शोध करो और छात्रों को ये चैलेंज दिया जाता है पिछले साल ये शुरुआत हुआ वैसे दुनिया भर में ऐसा होता है लेकिन वो कोई एक विश्वविद्यालय करता है एक कंपनी करती है देश के स्तर पर ये पहली दफा दुनिया में हो रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन लास्ट ईयर हुआ जो हैकाथॉन में 40,000 छात्रों ने भाग लिया था पिछले साल 1200 इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटीज और बाकी संस्थाओं के छात्रों ने भाग लिया इसमें मूल मुद्दा है कि 600 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए थे 29 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने 29 डिपार्टमेंट ने 600 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए थे विभिन्न प्रॉब्लम जो भी डिफिकल्टी है उनको लगती है और जिसका सॉल्यूशन नहीं है वो चैलेंज दिया था स्टूडेंट्स को कि आप इस पर खोज करो तीन महीने छात्र छह छात्रों की एक टीम होती है और दो उसको गाइड होते हैं मेंटोर होते हैं प्रोफेसर्स तो ऐसी टीम होती है छह का ग्रुप और दो प्रोफेसर्स ये सब मिलके एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपने चॉइस का लेते हैं और उस पर तीन महीने काम करते हैं और मुझे लगता है दिस इज रियल हैंड्स ऑन एजुकेशन क्योंकि यही तो शिक्षा है यह हैंड्स ऑन एजुकेशन मिलता है और ये काम करके उसके सॉल्यूशन तक आते हैं फिर उसकी बीच में सेमीफाइनल जैसा होता है और उसमें जांच करके जो एक नतीजे पर पहुंच रहे हैं ऐसे 1200 टीमों को पिछले साल किया था और 8000 छात्र उसमें सहभागी हुए थे फाइनल राउंड में 1 और 2 अप्रैल को हुआ था वो पिछले साल और 1 अप्रैल के रात को प्रधानमंत्री जी ने इन सभी 8000 छात्रों से संवाद किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये 26 सेंटर पर हुआ था और वो नॉनस्टॉप 36 घंटे काम करते हैं टू मेक देयर फाइनल प्रोडक्ट एक कोड तक पहुंचे एक नतीजे तक पहुंचे अपने शोध को ये प्रक्रिया होती है हैकाथॉन की और इसमें 135 टीमों को पुरस्कार मिला
और उसमें से 57 टीम्स ने वो प्रोडक्ट को फाइनल रूप देने की तैयारी दर्शाई. उनको विभिन्न मंत्रालयों ने और हमारे एचआरडी मंत्रालय ने पैसा दिया और वो आगे भी काम करते रहे पूरा अभी तक. और अभी 27 ऐसे शोध हुए हैं कि जो पहले नहीं थे. ये उस पहले वर्ष के हैकाथॉन की ये सफलता है. 27 अभी नियर कंप्लीशन में शोध नए आए हैं. मैं सबका वर्णन नहीं करूंगा लेकिन दो चार बातें कहने जैसी है. कुछ छात्रों ने इसरो की एक रिक्वेस्ट थी कि भाई पेन ड्राइव में किसी भी कंप्यूटर का डाटा आप लेते हो और दूसरे कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाते हो और पेन ड्राइव लगा कि यहाँ का माल इधर, यहाँ की जानकारी उधर. कभी कभी अच्छे के लिए है, कभी कभी बुरे के लिए भी है. हम तो डाटा चोरी की कहानी सुन ही रहे. तो ये न हो इसलिए छात्रों ने एक शोध लगाया है और इसकी जानकारी आपको बाकी दे रहे हैं हम, कि एक ऐसा पेन ड्राइव तैयार किया है कि जो एक कंप्यूटर को ही अटैच रहेगा और कंप्यूटर को एक ही कंप्यूटर का अटैच, तो उसी कंप्यूटर में वो दिखेगा. अगर दूसरे कंप्यूटर में कोई लेके गया और लगाया तो उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन डीफॉर्मेट हो जाएगा, वो दूसरे में दिखेगा नहीं. ये शोध छात्रों ने लगाया है, ये बेहतर जरूरी शोध था. दूसरा, एक एयरपोर्ट पे अभी बहुत बहुत भीड़ होती है तो एयरपोर्ट के भीड़ का नियंत्रण के लिए एक बहुत अच्छा इमेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर एक अच्छा तैयार किया है उन्होंने कि उससे क्राउड मैनेजमेंट बेटर होगा. ये एक नई खोज छात्रों ने की है. फिर नॉर्थ ईस्ट के बहुत छात्रों ने एक शोध लगाया है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि नॉर्थ ईस्ट के जो आर्टिफैक्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट है और बाकी आर्टिजन्स की चीज़ें हैं, उन दोनों के लिए एक मार्केट प्लेस खुली हो, सारे दुनिया को समझे कि नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या पैदा हो रहा है जो आप खरीद सकते हो, ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है. तो ये एक नया खोज है. आयुष ने एक, आयुष के लिए जरूरी था तो छात्रों को हेल्दी हैबिट्स लगे. छात्रों को हेल्दी हैबिट्स लगना बहुत जरूरी है लेकिन हेल्दी हैबिट्स का अगर आप लेक्चर देने जाओगे पेरेंट के नाते तो वो सुनते नहीं. इसलिए छात्रों ने उसको गेम में रूपांतरित किया और उसके गेम्स तैयार किए हैं. तो गेम खेलते खेलते आरोग्य भी सीखेंगे, ये उसका एक नया खोज है. फिर सीनियर सिटीजन, अब उम्र बढ़ रही है तो एज के साथ डिमेंशिया जैसे भी ये भी हो रहे हैं और मेमोरी कम होती है. तो मेमोरी को ताज़ा तरह ना रखने के लिए भी बहुत सारे अभी वर्कशॉप्स होते हैं, कोई खेल होते हैं. इन छात्रों ने गेम्स तैयार किए हैं जो मोबाइल पर डाउनलोड करके वो गेम्स के सहारे अपनी मेमोरी को ताज़ा रख सकते हैं और चुस्त रख सकते हैं वयस्क लोग. तो ये जो ये सफलता है हैकाथॉन की, मैंने इसलिए विस्तार से बताया क्योंकि ये मुझे लगता है कि लोगों तक तो पहुंचना चाहिए कि ये हैकाथॉन है, खोज की ये ओपन इनविटेशन है, ओपन चैलेंज है. इस वर्ष में ये 30 और 31 मार्च को होगा और इस बार 1,00,000 से ज़्यादा छात्रों ने इसमें भाग लिया है. तो छात्र 40,000 से 1,00,000 हो गए. इस बार 17,400 टीम्स है, 17,400 टीम्स है. उसमें सॉफ्ट, इसमें इस बार पहली दफा हार्डवेयर का भी चैलेंज दिया है, हार्डवेयर का भी चैलेंज दिया है. तो 12,400 टीम्स आर वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एंड 5,000 टीम्स आर वर्किंग ऑन हार्डवेयर सॉल्यूशंस. तो हार्डवेयर की लिए वो है. और इसमें इस बार राज्य सरकारें भी शामिल हुई है 17, तो 17 राज्यों ने भी और 27 मंत्रालयों ने केंद्र के विभिन्न अपनी जो समस्या है वो छात्रों को दी है कि इसका खोज करो, हमें सॉल्यूशन दे दो.
और इसमें 1200 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आए थे, उसमें से महत्वपूर्ण 408 ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट शॉर्टलिस्ट किए, और इसमें 340 सॉफ्टवेयर के हैं और 68 हार्डवेयर के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस बार नया प्रयोग है और पार्टिसिपेशन बढ़ा है। ये 30 और 31 मार्च को होगा, 28 सेंटर्स पे होगा और 1266 टीम्स उसके लिए अब फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। पिछले 3 महीने से छात्र इस पर काम कर रहे थे, 6 छात्रों की एक टीम, 6 लोगों की एक टीम और 2 प्राध्यापक, ऐसे टीमों में 3 महीने काम किया, उनका देखा, परीक्षण हुआ और उसमें से 1266 टीम्स को फाइनल राउंड में लिया है जो 30-31 को होगी। 36 घंटे नॉनस्टॉप काम करेंगे। आप भी देखो, दिल्ली में है, दिल्ली में भी है, कहाँ होने वाला है वो भी बताओ। हाँ, सेंटर के नाम भी है। हाँ, वो आपको सेंटर के नाम भी दे रहे हैं, न्यू दिल्ली में 2 जगह है और बाकी भी देश भर के सारे सेंटर्स के दे रहे हैं, तो वो वहाँ भी आप जाके उस समय देख सकते हो और देखना चाहिए और दिखाना चाहिए लोगों को। तो ये हार्डवेयर की कॉम्पिटिशन जून में होगी, सॉफ्टवेयर का केवल 30-31 मार्च को होगा। हार्डवेयर के लिए ज़्यादा समय लगता है, पहली दफा कर रहे हैं, उसमें आईआईटी के छात्र बहुत पैमाने पर है, तो इसलिए उसमें वो हार्डवेयर का जून में होगा, तो उसका भी जानकारी बाद में देंगे। और इस बार जैसे समस्या क्या क्या है, राजस्थान में पानी की समस्या है, सही तो देश भर में है, तो हैंडपम्प का मैनेजमेंट रियल टाइम या टैंकर का ट्रैकिंग और मैनेजमेंट, टैंकर वाटर सप्लाई, ये लोगों ने समस्या दी है। वॉइस मैचिंग एल्गोरिथम, अब जैसे कल हमने देखा एक मुख्यमंत्री के आवाज की नकल करके ऐंठने की कोशिश किसी गुनेगार ने की, तो ये बचाने के लिए टू डिटेक्ट क्रिमिनल्स एक वॉइस मैचिंग एल्गोरिथम की जरूरत है पुलिस को, तो वो भी स्टूडेंट्स इस बार ढूंढने की कोशिश करेंगे। और फॉरेस्ट फायर होता है, मैं पर्यावरण मंत्री था तो मुझे पता है कि फॉरेस्ट फायर को डिटेक्शन सैटेलाइट से हम करते हैं, लेकिन सैटेलाइट से करके वो कम्युनिकेट होके वो वहाँ पहुँचने का उसका और भी कोई सोल्यूशन है क्या, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुरंत फॉरेस्ट फायर, परसों 11 छात्रों की जिंदगी गई, जवानों की, तो इसलिए फॉरेस्ट फायर से बचने का और फॉरेस्ट फायर का तुरंत खबर मिलने की क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, ऐसे अनेक प्रश्न मंत्रालयों ने और राज्य सरकारों ने दिए हैं, उस पर छात्र काम करेंगे और छात्र ये करेंगे। तो ये एक बेहतर उपक्रम है और ये बहुत सफल होगा, ये हमें पूरा विश्वास है और ये सारी हमारी टीम उसमें काम कर रही है। परसिस्टेंट ये हमारे पार्टनर है, क्योंकि ये कल्पना उनके यहाँ पहले तैयार हुई, बाकी जगत दुनिया में ऐसे परसिस्टेंट एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो वो खोज के लिए हमेशा चैलेंज देते हैं, तो एक कंपनी करे उसके बजाय सारे देश के छात्र करें, तो वो भी इसमें है। सो अगेन जस्ट टू कंक्लूड इन टू मिनट्स, इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग सेकेंड एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2018. Last year was the first edition, which was roaring success. World over, hackathon is organized by companies or universities individually, and they are naturally on the small scale. First time any country has did this, and that is India, and that was the biggest hackathon ever happened in the world. And more than 40,000 students participated last year from 1,200 plus institutes, and they worked on the 600 problem statements given by various ministries. They worked for 3 months. That was the real education. It's an education on hand. And that education on hand is the real experience for all engineering students. So after that, there was a semi-final where the best teams, because each team consists of 6 students, of which one has to be a girl student, and there are 2 mentors, and
this team works together for 3 months, and last year 8,000 students were selected for the final round, and that was held on 1st and 2nd April at 26 centers, and they work for 36 hours non-stop. And 135 teams were awarded with various prizes. 57 teams have come with real solutions, and they are doing their efforts, out of which 27 innovations are near completion, and they will be deployed this year. And those information we have given in detail of each innovation, but to just mention few, people have found out a solution of a pen drive to arrest their data theft. The pen drive, students have devised a pen drive which will be attached to a particular computer. So it will work only in that computer. If somebody takes data from that computer on pen drive or pen drive and put it somewhere else, or the same pen drive in some other computer, that won't work. That will be, the whole information will vanish from the pen drive. So that is how it will be deformatted. So that is the new innovation, the real innovation, which was requirement of ISRO. And that has been found out by the students. The airport crowd management solution is also based on artificial intelligence, image analysis and analytics, and that is how this solution is also there. There was necessity of how to engage children and students for healthy practices. So some students have devised games which can be downloaded on mobile, so that those games, that was the request of the Ayush Ministry, and with the games they will learn the healthy practices. That's the way to engage the students. One is for senior citizens, they lose memory very rapidly as the age advances. To keep memory refresh, they have devised the games again. So on mobile also they can, instead of going to workshops, which happen rarely, so instead of searching for those, they can have it on their mobile phone. For Northeast artifacts, the world market is now open because students have innovated a new platform. So this is the real success of this hackathon effort. This year, it is the second edition, and in second edition, 27 ministries and 17 states have participated. First time states are participating. They same 1,200 problems. And 1,200 problems, 408 were shortlisted, out of which 340 are software problems, and where software solutions are required, and 68 problems are where hardware solutions are required. And in the hardware section, IITs are playing a very important role. So this time, there are more than 100,000 students, 1 lakh students, from 17,400 teams, from 1,350 plus institutes. So that is the thing. And this year, the semi-final, 1,200 teams are selected at 28 centers. 10,000 students will participate on 30 and 31st March, 36 hours non-stop. They will try to create their final code of the product so that their solutions are ready. Then they will take it further, the chosen few. So the hardware competition will happen in June. And this time, there are many problems coming up, like the hand pump water shortage is everywhere. So hand pump management, tanker supply management, voice matching algorithm to detect criminals. That's a major thing. Problem is, there is a challenge for students, and forest fire detection, early detection. And that is how we are heading for an innovative society. Our Prime Minister always says that innovation is the key for real sustainable development of India. And to that end, this competition is very important. So that's all from my side. Now you can ask questions. No, but on this hackathon. Yeah, not on Tamil Nadu. Let's first talk about the hackathon. Sir, you referred about 2 points. There are about 17 states that have
Can you just give the list of states? I think we are giving you in Tamil Nadu. Again, the Tamil Nadu that is taking part in that conference. You just, I'll confirm. Number next. One, number two, since you identified certain areas where the research is going, students are taking part. One was voucher related. No, there are 400 problems. No, I mentioned just four. No, out of four, one problem related to Tamil Nadu. Recently, about 10 days back, there was a major fire accident, forest fire. Well, that is what I said. That about is there. 16 people have lost No, that life. Is what there is. Since already the project is on, why they could not alert the government? Project is not on, Baba. That is the challenge given by the state. Now students will do research on that. Next. Is there any question on this? That's ठीक है सर एक हां जो जून वाले हैकाथॉन होगा वो इन्हीं सेंटर्स पे होगा या उसकी सेंटर्स अलग-अलग होंगे सर जून सेंटर्स थोड़े होंगे लेकिन अलग-अलग होंगे मेनली आईआईटीज में होंगे वी विल गिव द लिस्ट इन मे सो थैंक यू हां या प्लीज लास्ट ईयर जो प्रोजेक्ट्स थे सॉल्यूशन दैट वर अराइव्ड एट बाय स्टूडेंट्स व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट दैट इज व्हाट आई सेड 27 सॉल्यूशंस 57 are taken in the last lap for taking it to a further. We funded them and they have worked it out. They are nearing the final solution. Now 27 solutions are really ready and they will be deployed by various ministries in this year. That is what I gave. List is given, but I gave you the four examples of pain drive, the crowd management, the games for children, for healthy habits, game for senior citizens, for memorization, and many other things. Sir, one question, just one confusion. If that pen drive cannot be used elsewhere, is it not just like saving something on a computer because no transferability of data? See, it was ISRO's request that they want to avoid any kind of data theft. So, some information which they want, we also put in our hard disk, no? So, that is how, but that pen drive is usable on the appointed computers only. So, There are several appointed computers. Can be. Prakash ji, I am Sandeep Bhopartamad newspaper. I will tell you about RUSA. हैकाथॉन एक बार पूरा करेगी टॉपिक वाइज जाएंगे सर आपने 17 स्टेट्स के पार्टिसिपेशन की बात की है तो सर जैसे आपने बताया कुछ एक दो आपने प्रॉब्लम एरिया बताए उनके फॉरेस्ट फायर जैसे फॉर एग्जांपल इसके अलावा भी स्टेट किस तरह के प्रॉब्लम हां देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स लिस्ट वी आर गिविंग यू हां स्टेट का थोड़ा सा आप बता दीजिए कि किस तरह के विषय वो बता रहे हैं जो उनके प्रॉब्लम्स हैं इट इज अबाउट फर्स्ट टाइम स्टेट्स आर पार्टिसिपेटिंग Next year, more states will participate. Then we will call companies also to participate. Ki if anybody has problem, they can give it to the students because we want more and more good challenges to come to the students. So students' brain are really ready to take up the challenge and work on the problems to get arrive at a solution. That's the whole idea. Thank you. वो जैसे तय होगा आपको बताएंगे. अलग सवाल पूछ नहीं अलग नहीं मैं अभी दूसरा है नहीं नहीं ओनली लॉजिस्टिकली प्लस उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं पैसा ये इसमें ज्यादा मुद्दा नहीं होता है इसमें छात्र काम करते हैं 3 महीने सी आपके कॉलेज के दिनों में जो इंजीनियरिंग कहे होगा उनको पता है कि केवल लैब में जाके थोड़ा सा काम कर सकते हैं लेकिन हैंड्स ऑन प्रॉब्लम नहीं मिलते हैं दैट्स द रियल प्रॉब्लम ये हैंड्स ऑन प्रॉब्लम दे रहे हैं और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर वर्किंग टू सॉल्व द अराइव एट अ सॉल्यूशन दैट्स अ इनोवेशन दैट्स अ बिगिनिंग ऑफ इनोवेशन दैट्स अ न्यू एजुकेशन रेवोल्यूशन नाउ अबाउट रूसा आई विल नाउ गो इन इंग्लिश ओनली इन द क्वालिटी इनिशिएटिव एनहांसिंग क्वालिटी इनिशिएटिव ऑफ मोदी गवर्नमेंट वी हैव नॉट ओनली एक्सटेंडेड द टाइम लिमिट ऑफ रूसा राष्ट्रीय उच्चतर आविष्कार योजना बट वी हैव एक्सपैंडेड इट लास्ट 4 years 13-14 टू 16-17 द टोटल आउटले वॉज 2400 करोड़ सो 4 years 2400 करोड़
And now 17-18 to 19-20, 3 years, it will be 7,100. It's a four-fold increase. The 4 years budget is now every year's budget. 4 years budget was 2,400 crore. Now that is every year's budget. And that's a real expansion of this scheme. And what we are adding? 10 विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 100 करोड़ रुपए प्रति यूनिवर्सिटी दी जाएगी. कल जो हमने ग्रेडेड ऑटोनॉमी में 3.5 से ऊपर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए ये पैसे रहेंगे, स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और ये 100 करोड़ पर यूनिवर्सिटी मिलेगा. फिर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 100 प्लस डिस्ट्रिक्ट विच हैव रिमेन्ड लैगिंग बिहाइंड इन एजुकेशन, वहाँ 70 मॉडल कॉलेजेस, नए मॉडल कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस शुरू होंगे एट द कॉस्ट ऑफ 12 करोड़ रुपीज ईच. दिस इज 840 crores. देन इन द सेम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलेज टू मॉडल कॉलेजेस 75. सो ओवरऑल nearly 145 colleges will be there essentially in aspirational districts. So as the backlog of aspirational districts in education will be met by having these colleges to a large extent. That's a new thing. In an equity initiative, there will be 5 crore rupees for 15 states for hostels of scheduled caste, scheduled tribe girl students. So hostels. Then there will be, every year we give 2 crore rupees grant for colleges to improve the research infrastructure or academic infrastructure. Now this time we are giving 2 crore for 750 colleges. So it is 1500 crore. There will be new professional colleges, engineering colleges, management colleges, but essentially engineering colleges, at the cost of 26 crore rupees per college in 8 educationally backward districts. Now we don't say backward, we are saying aspirational. So that also will be there. And 70 colleges will get 5 crore rupees each for improving the quality. स्पेशल जो अच्छा क्वालिटी इम्प्रूव किया है उनको और क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए मिलेगा. और 20 स्टेट्स रिसर्च क्लस्टर्स 50 करोड़ रुपीज ईच. वो 20 स्टेट्स विल गेट फॉर रिसर्च क्लस्टर्स 50 करोड़ रुपीज ईच, 1000 करोड़ रुपीज. सो इट्स ए ह्यूज एक्सपांशन ऑफ रूसा स्कीम. RUSA has succeeded to improve the quality of higher education, and with this expansion, fourfold expansion of this scheme, the thrust of Modi government is on improving the quality, and that is what we are achieving through RUSA. And I hope that all the universities, because they will be selected, all the colleges and the places and everything will be selected in challenge mode, and therefore all will participate to showcase the level of achievement so that they get much better. Thank you. Any questions? Gunavatta sudhar ke liye Modi sarkar ki ek jabardast pehel RUSA ke madhyam se ye yojana 2020 tak chalegi bhi, lekin usse jyada pehle 2400 crore rupaye 3 saal mein kharch hue the, 4 saal mein. Ab har saal 2400 crore kharch honge. ये इतना फर्क है, 4 गुना बढ़ोतरी है. और इसलिए ये गुणवत्ता का सुधार उच्च शिक्षा में, क्योंकि उसी से शोध और अनुसंधान में गति आती है, और शोध और अनुसंधान से ही देश आगे बढ़ता है. क्वेश्चंस? सर, कॉलेजेस की पहचान करने की प्रक्रिया आपने प्रारंभ कर दी है या कब से करने वाले हैं? ये कल कैबिनेट डिसीजन है. इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ वी विल स्टार्ट, अप्रैल से विल स्टार्ट. जो वो ऐसा है, एनएएस का स्टेट वाइज जो अभी रिपोर्ट्स तैयार हुए हैं, मैंने सभी सांसदों को भी
अपने अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट्स भी तैयार हुए थे, तो मैंने सभी सांसदों को डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट्स मैंने पत्र लिखकर सबको भेजे हैं कि भाई आपके ज़िले की शिक्षा की ये नक्शा है, आप उसमें सहभाग दीजिए इम्प्रूव करने के लिए। और स्टेट के भी चीफ मिनिस्टर्स को स्टेट का सब भेजा है स्टेट रिपोर्ट, और आपको भी रिलीज करेंगे। लेकिन दिल्ली सबसे पुअर होना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो आपको सबको रिलीज करेंगे, रिलीज किया भी है, वो हमारे वेबसाइट पे है, तो उसकी एक अलग स्टोरी है। आज इतने टॉपिक मिक्स मत करो, सारे एमपीज को आपने चिट लिखा है इंक्लूडिंग सभी, इंक्लूडिंग वाराणसी एमपी सभी, यस एवरीबॉडी। थैंक यू। राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो 39 भारतीय मारे गए थे उनके उस खबर से ध्यान हटाने के लिए उसमें सरकार का झूठ पकड़ा गया है, और उस खबर से ध्यान हटाने के लिए डेटा लीक की कहानी को सरकार सामने लेके आई है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। चोरी और सीनाजोरी। हमने डिटेल्स मंगवाए, लेकिन सर इस तरह की जो स्कूल में हो रही है, आपने गाइडलाइन बनाने की बात की थी प्रतिनिधि के बाद भी, तो गाइडलाइन तो बनी है, तो सर ऐसे टीपू सुल्तान ने बोली है सर, राहुल गांधी जी ने